लक्ष्मी वो कोने में भी लगा लेना। 2 लाख लूंगी। क्या? और वो बिस्तर के नीचे के 2 लाख अलग से, पर्दे के पीछे के 3 लाख, ये अलमारी के पीछे के तो 4 लाख लूंगी। टोटल हुआ सारे कोनों का 11 लाख। सजा गई है तू। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ये बहुत दिन, बहुत पहले का वीडियो था, तो मैं सोची आज मैं क्लीन कर रही हूँ मेरा रूम, तो इसीलिए मैं ये वीडियो को पहले आपको दिखा चुकी हूँ। इसके बाद चलिए देख लेते मैं अपना रूम जो है वो कैसे क्लीन करती हूँ, और मेरा हस्बैंड जो है वो पंखा वो क्लीन करेंगे। तो चलिए देख लेते वीडियो को। ये है बिस्कुट खाने का नतीजा। अपना फेस दिखाओ, यही देखो, ये है पूरा बिस्तर को देखो क्या की। ये है बिस्किट खाने का नतीजा। खाओ बिस्कुट खाओ। हाँ देखो 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 कैसे खाती है। ओहो ओहो। थैंक यू इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, और अनिशा सेन थैंक यू। सो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना। और तो ये वीडियो देखते तो गाइज अभी ये क्लीन हो रहा है पंखा जो है, और आज दिखाएंगे अपना घर का हालत फिर से। तो कल का ब्लॉग में आप लोग देख चुके हो, फिर अभी देखो क्या हालत है। इसको मैं अभी क्लीन करूंगी। सो मैं पहले इस पोर्शन को मैं क्लीन करूंगी, उसके बाद जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआ सा 100 दफा तुझे पर ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना। चेंज कर लूंगी क्योंकि ऊपर पंखा जो था वो बहुत धूल था पंखा पे, और वो सब गिरा है, और देख चुके हो आप लोग बेबी का जो बिस्किट खाने का तरीका है वो। प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआ सा 100 दफा तुझे पर ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना।
मेरा रूम क्लीन हो चुका है, मैं सब कुछ दिखा चुकी हूँ। जहाँ जहाँ धूल था पंखा पे, पंखा बहुत गंदा तरीका से उसमें धूल पड़ा था, और मैं कपड़ा दिखाई थी बहुत मतलब बिखरा हुआ था चारों तरफ, बेबी का सामान सब कुछ, और मैं अभी उसको ऑर्गेनाइज करके मैं फोल्ड करके अभी जस्ट बैठी हूँ। और अगर ये मेरा रूम क्लीनिंग अच्छा लगा तो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं अभी नाइट रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं नाइट में जो रूटीन अपना स्किन पे अप्लाई करती हूँ वो आप लोगों के दिखाते ही चलिए। अगर वीडियो ये अच्छा लगा, आपको कोई हेल्पफुल लगा है तो मेरा नाइट केयर रूटीन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना, छोटू सा बेल बटन है उसको भी हिट कर देना। तो देख लेते मेरा नाइट टाइम रूटीन क्या है, मेरा स्किन में क्या अप्लाई करती हूँ मैं, चलिए देख लेते गाइस। सो इतना काम करने के बाद मैं अपना फ्रेश को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती हूँ, और बहुत सारा धूल था और वो फेस पे आके गिरा है, और मैं चाहती हूँ मैं स्किन केयर करूँगी तो आप लोगों के साथ करेंगे, और आप लोगों को दिखाते हैं मैं कैसे स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो करती हूँ अपना स्किन को मेंटेन करने के लिए। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगी गुड एल्ब्स का सैंडलवुड पाउडर, जो अमेजिंग मेरा स्किन के ऊपर जो ग्लो लेके आता है ना यार, सच में बहुत अच्छा। आप इसको एज अ हेयर मास्क भी अप्लाई कर सकते हो, और ये अब पर्पल से बहुत कम चीप प्राइस है इसका, बहुत ये अभी 85 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसका MRP वहाँ पे अगर पर्पल से अगर आप चेक करते हो तो इसका MRP और थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पर्पल पे हर टाइम डिस्काउंट कुछ ना कुछ चलते रहता है। सो ये मैं पैकेट से निकाल के रखी हूँ, सो देख सकते हो मैं बहुत बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ। और यह जो है ये पैकेट से मैं एक छोटू सा बोल पे निकाल लूँगी। आपका फेस का क्वांटिटी हिसाब से लेना आप लोग। अब बहुत अमेजिंग है यार, ये परचेज कर लो, 100 रुपीज़ के अंदर आता है ये, मैं इतना सा लूँगी। और अगर आपके पास होगा ही होगा डेफिनेटली, और एक चीज़ जो है रोज़ वाटर, सच में अमेजिंग काम करता है ये। मैं इसमें पानी की जगह रोज़ वाटर ऐड करूँगी, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँ, मतलब सॉरी एक संग कर लूँगी इसको। थोड़ा सा और चाहिए मुझे रोज़ वाटर, और पता है आपको रोज़ वाटर कितना अच्छा आपका स्किन का, ये गिरी आपका स्किन में कितना अच्छा काम करता है आपको पता ही होगा। सब लड़की के पास आई थिंक रोज़ वाटर है, मेरे पास मैं रोज़ वाटर कुछ भी काम का, मेरा काम का नहीं था रोज़ वाटर, सो ऐसे ही पड़ा रहता था। और जब से ये सैंडलवुड आया है मैं इसके साथ, सॉरी गाइस, पता है आपको मेरे घर में एक बिच्छू रहता है, सो इस तरह का कुछ देखने में आएगा ये पता नहीं क्या है, मिट्टी टाइप का। तो ये मैं फुल फेस पे अप्लाई कर लूँगी, ये स्किन को सच में मैं बोल रही हूँ आप लोगों को प्लीज़ ट्राई करो ये। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है लगाने में, और मैं जब भी लगाती हूँ ना ओ स्किन जो है वो बहुत मेरा ग्लो करता है पता नहीं क्यों। जब भी मैं ये लगाती हूँ ना बेबी बहुत डर जाती है, सो इसको मैं सूखने तक रखूँगी, 10 मिनट रखना आप, बहुत ये सब झरझर के गिर रहा है। सो एंड सूख जाने के बाद उसके बाद मैं मुंह धो के आ जाती हूँ, और मैं एक ऐसे टॉवल से आप पोंछ लेना अपना फेस को, ज़्यादा रगड़ो मत, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपका लग रहा है आपका स्किन बहुत डल हो चुका है, ब्लैकनेस लग रहा है, डर्टी लग रहा है, ये सच में बहुत कमाल का चीज़ है। सेकंड टिप्स मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का हनी वाला सीट मास्क, ये अप्लाई करने के बाद। सो
मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसका स्मेल जो है हनी वाला। तो आप कोई भी सीट मास्क यूज़ कर सकते हो। सो बेबी डर जाती है गाइस, मैं जब भी अप्लाई करती हूँ सीट मास्क को, और वो सैंडल लुटका वो मैं जब भी अप्लाई करती हूँ बेबी बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये आप रखो 5 मिनट तक, ठीक है, और अच्छी तरह से थोड़ा सा हल्का हाथ से थोड़ा सा इसका जो ऑयल है आपका स्किन में एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो हो गया 5 मिनट्स, तो इसको मैं उतार लूँगी कुछ इस तरीके से। देखो स्किन में इसका अंदर जो ऑयल होता है ये आपका स्किन में और थोड़ा सा ग्लो लेके आता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये तीनों चीज़ यूज़ करना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी बहुत अमेजिंग हो रहा है, परचेज कर सकते हो पर्पल से। सो वाओ, अच्छी तरह से मैं इस सीरम को फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और थर्ड जो चीज़ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप ट्राई कर सकते हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और सो ये है गुड वाइब्स का आमंड वाला स्क्रीन ब्राइटनिंग सीरम, जो कि फेशियल ऑयल सॉरी, जो कि बहुत काफ़ी अच्छा है। मैं डेली यूज़ करती हूँ इसको, और आपको स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। ये छोटू सा बोतल है इतना सा, तो इसमें ये पंप वाला आता है यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐसे लेना है आपको। ये देखो ये ऑयल भी बहुत अच्छा है, ये फेशियल ऑयल है। अब अगर फेशियल करते हो बाहर से पार्लर या कहीं से, तो उसके बाद आप घर में आके ये अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह से मसाज दे दूंगी अपना स्किन को। देख लो और आप ये नाइट में ये अगर करते हो तो ये रात को आप अप्लाई करके सो सकते हो, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं तो अभी सोने जा रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो बंगाली में आने वाला है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। सो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और पास में थोड़ा छोटू सा बेल बटन है उसको भी हिट कर देना। तो गुड नाइट, बाय बाय।